नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। हरियाणा का मेवात जिला, जिसे आधिकारिक तौर पर नूंह जिला भी कहा जाता है, कल सोमवार 31 जुलाई को दंगे से जल उठा। हिंदुओं द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप हिंसा इतनी बढ़ी कि हालात पर काबू पाने के लिए नूह समेत आसपास के इलाकों में पैरामिलिट्री की 13 कंपनियां तैनात करनी पड़ी। 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है और यहाँ के 4 इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। आधिकारिक तौर पर दंगों में 3 लोगों की मृत्यु की पुष्टि भी हो चुकी है। हालांकि मीडिया की माने तो अब तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जिनमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अब मामला ये था कि नूह में विश्व हिंदू परिषद द्वारा ब्रजमंडल यात्रा की जा रही थी। इस यात्रा में लगभग 5,000 हिंदू शामिल थे, इनमें महिलाओं की संख्या भी सबसे अधिक थी। इस दौरान मुस्लिम समुदाय ने यात्रा पर हमला कर दिया, लोगों पर पत्थर बरसाने के साथ साथ उनके वाहनों को आग लगाना शुरू कर दिया। लाठी डंडे से वार कर वाहन क्षतिग्रस्त किए गए। यात्रा में शामिल लोग बचने के लिए मंदिर परिसर की ओर भागे तो उन्हें दौड़ाकर पीटा गया। कम से कम भाइयों 100 गाड़ियों को जला दिया है इन्होंने, मुस्लिमों ने। हमारी ब्रजमंडल की शोभा यात्रा थी, उसको खंडित कर दिया है और 3 भाइयों को जिंदा जला दिया है। 3 हमारे हिंदू भाइयों को जिंदा जला दिया है और 1 भाई को अभी गोली लगी है। और ये देखो किस तरह हमारी गाड़ियों को जलाते हुए आ रहे हैं, देखिए। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ये पूरी तरह से प्रायोजित था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी हिंसा के इस प्रकरण को षड्यंत्र बताया है। जो साक्ष्य पैम्फलेट को मिले हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि मेवात में शोभा यात्रा पर यह हमला पूरी तरह से पूर्व तैयारी के साथ किया गया था। कई दिनों से इसकी रणनीति बनाई जा रही थी, यहाँ तक कि इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी मुस्लिम समुदाय के युवकों द्वारा लगातार धमकियाँ दी जा रही थी। द पैम्फलेट को इसके प्रमाण मेवात के ही कुछ फेसबुक अकाउंट पर डाले गए वीडियो से मिले हैं। वीडियो में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि किस तरह से यात्रा से पहले सड़कों पर एलपीजी सिलेंडर बिछाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर उत्पाद की तैयारी कुछ इस तरह से की गई थी कि फेसबुक पर शोभा यात्रा की पल पल की जानकारी आगे शेयर की जा रही थी। फेसबुक पर ऐसे ही कुछ अकाउंट से लिए गए स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रईस खान लिखते हैं कि सोहना से यात्रा निकल गई है। यही रईस खान अपनी दूसरी पोस्ट में लिखता है कि नूह में भी इंशाअल्लाह। इस फेसबुक पोस्ट को देखिए, जहां कैप्शन में लिखा है, मोनू सोनू कल आजा बस बेटा, तू पूरी मेवात तेरे स्वागत में है, ऐसी प्याज फूटेगी फिर कभी जड़ी बूटी सु जुड़ ना पाएगी इंशाअल्लाह। मोनू यानी मोनू माने सर। बताया जाता है कि मोनू एक गोरक्षक हैं जो गौ सेवा के लिए सक्रिय रहते हैं, इसके चलते ही वे दूसरे समुदायों के निशाने पर भी रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस यात्रा में मोनू के शामिल होने की आशंका को लेकर ही कट्टरपंथियों ने यात्रा पर हमला किया था। हालांकि मोनू यात्रा में शामिल हुए ही नहीं, यानी ये नाम दंगाइयों द्वारा सिर्फ अन्य कट्टरपंथियों को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया और अब राजनीतिज्ञों के पल्ले उनके नैरेटिव बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। यात्रा के खिलाफ मुस्लिम युवकों की ओर से सोशल मीडिया पर तैयारियों का सिलसिला शुरू हुआ था। सोशल मीडिया पर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल नाम की संस्था, जो अमेरिका से नियंत्रित की जाती है और लगातार भारत और हिंदुओं के विरुद्ध जहर उगलती है, उसने एक ट्वीट करके लोगों को भड़काया। इसके पश्चात सैकड़ों मुस्लिम नाम वाले अकाउंट्स ने फेसबुक पर नफरती पोस्ट और मेवात में मुस्लिम समुदाय से शोभा यात्रा से पहले जुटान की अपील की। जुनैद की यह फेसबुक पोस्ट पढ़िए। जुनैद लिखता है, मेवात आरो जनाब, 31/7/2023 को प्याज वाली बात याद ना जनाब, की कोई डर ना बिल्कुल भी। इसके कमेंट्स में इसके साथी बताते हैं कि इंतजार कर रहे हैं। अब इस फेसबुक पोस्ट में कमेंट्स पढ़िए, मैंने अपने ड्राइवर को परमिशन दे दी है, एक्सीडेंट का कोई केस नहीं होता, जमानत हो जाती है। इससे साफ पता चलता है कि शोभा यात्रा की गाड़ियों के एक्सीडेंट की भी योजना बनाई जा रही थी। हालांकि हिंसा भड़काने के बाद जब पैम्फलेट द्वारा इन अकाउंट्स की जानकारी सार्वजनिक की गई तो इन्हीं अकाउंट से सारे वीडियो और वार्तालाप हटा देने की भी अपील की गई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट लिखने वाले मुस्लिम युवकों ने कांग्रेस विधायक मम्मन खान का भी नाम लिया है। दरअसल मम्मन खान वही विधायक हैं जिन्होंने विधानसभा से हिंदुओं को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने यात्रा आयोजित की और मोनू मानेसर को आमंत्रित किया तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि नूह में मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है और ये भी एक वो जिला है जहां 1991 में अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के समय सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। आज भी इस इलाके से सिर्फ हिंसा, अपहरण, हिंदू युवतियों के धर्मांतरण की खबरें आना लगभग रोज की ही कहानी बन चुकी है। शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर आज मिनी पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है। आपका इस हमले के बारे में क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।